हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रांगा सोल्डिंग कैसे किया जाता है और रांगा सोल्डिंग लिक्विड पेस्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है, हम आपको बना के दिखाएंगे। तो लास्ट तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। ये दोस्तों दवा छिड़कने वाली मशीन है, कीटनाशक दवा छिड़कने वाली मशीन का ये पाइप है, ये क्रैक हो गया है, पीतल का होता है। तो इसमें रांगा ही सोल्डिंग होगी। ये पहले अच्छी तरीके से इसे नमक का एसिड से साफ़ किया जाता है। वही एसिड दोस्तों जो टॉयलेट क्लीनर में भी काम आता है। अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद ही इसमें रांगा अच्छे से सोल्ड होगा। ये लिक्विड पेस्ट लगाया जा रहा है। उसके बाद अब दोस्तों ये कैया है, ये कैया तांबे की होती है, इसको अच्छी तरीके से गर्म करना है, हीट करना है अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से इसको अच्छी तरीके से हीट करने के बाद ही रांगा सोल्डिंग होगी। ये हीट हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको हीट करने के बाद लिक्विड पेस्ट में हल्का सा डुबाया जाता है। इसके बाद फिर रांगा इसमें पकड़ने लगता है, आप देख सकते हैं। हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से रांगा सोल्ड हो गया है। रांगा सोल्डिंग पेस्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है, रांगा सोल्डिंग लिक्विड पेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें एक कांच की कटोरी में हमने थोड़ा सा नमक का एसिड लिया है, ये टॉयलेट क्लीनर में भी काम आता है। इसका कलर थोड़ा पीला होता है। नमक का एसिड बोलते हैं। और ये दूसरी चीज़ दोस्तों ये है जस्ता, आप देख सकते हैं, इसको जस्ता बोलते हैं। आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। घड़ी का सेल जो होता है उसके चारों तरफ जो है बाहर का हिस्सा जो होता है वो जस्ता का ही बना होता है।
आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जस्ता डालने के बाद इसका कलर जो है वो हल्का वाइट हो जाएगा। अब ये तैयार है, लिक्विड पेस्ट आपका तैयार हो गया है। अब इससे आप रांगा सोल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ लेकिन रांगा सोल्डिंग के लिए है।